नमस्कार साथियों, नरेश मित्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो खाद्य सुरक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ कि खाद्य सुरक्षा के फॉर्म जो कि कब से ही चेक होना जो कि शुरू हो चुके हैं, जो कि गेहूँ कब तक मिलेगा और जो कि फार्म जो कि चेक हो चुके हैं उसका क्या करना होगा और गेहूँ पाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो NFSA 2022 के लिए जिन आवेदनों में कमी पाई गई है उन आवेदनों को सेंड बैक किया गया है और ई मित्रा पर जाकर फार्म की स्थिति देख सकते हैं। फार्म अप्रूव्ड हुआ या सेंड बैक हुआ ये चेक करने के बाद में हम खाद्य सुरक्षा के पात्र बन पाएंगे और सेंड बैक हुए आवेदनों की कमी पूर्ण जल्दी से जल्दी रीसबमिट करवाना होगा और 30 दिन के अंदर, अगर 30 दिन के अंदर हमने फॉर्म रीसबमिट नहीं करवाया तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और खाद्य सुरक्षा के हम पात्र नहीं बन पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए नरेश मित्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय।